हेलो यार, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ दिवाली स्पेशल मैसी कप विश्व अपडेट के अंदर कौन कौन से बंडल्स आप लोग को मैसी कप से एक्सचेंज करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। और लेके फिर इसको डिफेंड गेम के अंदर कब आने वाले हैं और लेके फिर इसको डिफेंड के अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड्स आइटम आएंगे वो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। साथ में आप लोग को मास्टर माइंड फनी का बंडल का रिंग डिफेंड कप देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रोल कप आने वाली है और इन गेम और भी बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स जो आने वाला है इसका मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में अपडेट देने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना या फिर आप लोग बहुत सारे अपडेट मिस कर दोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आप लोग को दिवाली स्पेशल एक स्पेशल नया गोल्ड रॉयल आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। लाइक इसके अंदर आप लोग को जो ओल्ड गोल्ड रॉयल के बंडल्स है ये आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। रिटर्न में जो अभी तक गोल्ड रॉयल के अंदर जितने भी बंडल्स आए हैं वो आप लोग को सारे इस स्पेशल गोल्ड रॉयल के अंदर पॉसिबल है कि देखने के लिए मिल सकता है। और फिर ये सीखो आप लोग को लेके फिर इसको रिफंड की सो कंफर्म डेट मिल के आई है। इंडिया फिर सर्वर के अंदर सेप्टेम्बर मंथ में कोई भी मिस्ट्री सॉफ्टवेयर पर लेके फिर रिस्वन पर नहीं आया है। सो आप लोग को इस महीने एक्टिव होने में लेके फिर रिस्वन वन देखने के लिए मिलेगी जिसकी कंफर्म डेट मिल के आ रही है। आप लोग को आने वाले 4 या फिर 5 अक्टूबर को लेके फिर रिस्वन वन देखने के लिए मिल सकता है, जिसके अंदर आप लोग को जो रिवॉर्ड आइटम मिलता है इसका बैनर आने दो, फिर मैं आप लोग को रिव्यू करा दूंगी। और आप लोग को जो जर्सी का इलेक्ट्रोल है, जर्सी के इलेक्ट्रोल के अंदर आप लोग को इनोवेटिव सर्वर के अंदर बहुत सारी जर्सी भी देखने के लिए मिल सकती है या फिर आप लोग को बस 5 या 6 जर्सी ही देखने के लिए मिलेगा जर्सी इलेक्ट्रोल के अंदर। और ये जर्सी इलेक्ट्रोल पूरा ही कंफर्म है आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और ये जर्सी के इलेक्ट्रोल आप लोग को नवम्बर में देखने के लिए मिलेगी। फ्लू लोग एनमी के फैंड स्टार्ट होगा तब आप लोग को जर्सी का इलेक्ट्रोल इंडिया सर्वर के अंदर कंफर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट है आप लोग को फ्री का मैसी कप का इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग को 100 टाइम गेम खेलना पड़ेगा या फिर आप लोग को लॉग इन पर फ्री का मैसी कप एक मिल जाएगा। और ये दिवाली इवेंट स्पेशली फ्री का जो मैसी कप है इसका इवेंट आप लोग को 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को देखने के लिए मिलेगा। तो फ्री का मैसी कप लेना है तो 31 अक्टूबर 1 नवंबर को गेम जरूर से लॉग इन कर लेना। और आप लोग को स्कॉर्पियो ईफो बंडल देखने के लिए मिलने वाला है नेक्स्ट ईफो बंडल रिटर्न में। फिर ऐसा कि कोई और ईफो बंडल आएगा रिटर्न में, सबसे पहले आप लोग को जो नेक्स्ट ईफो बंडल देखने के लिए मिलेगा रिटर्न में वो स्कॉर्पियो ईफो बंडल ही होने वाला है। और सेम टू सेम ऐसा ही रिंग इवेंट आने वाला है रिटर्न का, जिसके अंदर आप लोग 4 से 5 हज़ार डायमंड में स्कॉर्पियो ईफो बंडल को निकाल सकते हो। और बाकी ये रिंग इवेंट आप लोग को नवंबर के लास्ट वीक से पहले ही देखने के लिए मिल जाएगी इंडिया फिटनेस सर्वर के अंदर। फिर कैसे को आप लोग को नेक्स्ट ईफो गेट स्कॉर्पियो की थीम में देखने के लिए मिल सकती है, जो अभी पूरा ही कम्प्लीट नहीं हुआ है, बट इसका अभी पूरा ही जो कम्प्लीट लुक है ये आने वाले होगी 47 के अपडेट में एड हो सकता है। लाइक आप लोग ये वाले जो स्कॉर्पियो ईफो गन है इसका आप लोग यहाँ पे रेशो देखो, एक लेवल में कुछ ऐसी आप लोग को देखने के लिए मिलेगी, 2 लेवल में कुछ और ही अच्छा हो जाएगा किल अलाउंसमेंट में मिलेगा, और 3 लेवल में आप लोग को नो लुक मिल जाएगा, और 4 लेवल में आप लोग को हीट इफेक्ट मिल जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, 5 में आप लोग को किल इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा और जो बहुत ही मस्त है। और आप लोग को 5 लेवल में ही सो फायरिंग इफेक्ट है ये भी आप लोगों को कमाल का देखने के लिए मिल जाएगा इस एसीडी ईफो गन के अंदर। और 6 लेवल में नो लुक मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है। और 7 लेवल का जो एक गन है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और इसका इमोट भी अभी तक एड नहीं हुआ है और इसके आर्टिफिस भी अभी तक एड नहीं हुआ है, इसलिए गाइस ये जो ईफो गन है ये पेंडिंग में पड़ा है। और आने वाले 47 के अपडेट में आप लोग को स्कॉर्पियो की थीम वाली एसीटी की न्यू ईफो गन देखने के लिए मिल सकती है। और बाकी इसके आर्टिफिस बस एड नहीं हुआ है और इसका जो इमोट है ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है, बाकी इसके थीम के जितने भी आइटम से ये रेडी हो चुका है। लाइक आप लोग देख ही सकते हो लुटफुक सा स्किन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और स्कॉर्पियो थीम के जो आप लोग को बैकपैक की न्यू स्किन देखने के लिए मिल रही है, सो 3 लेवल में आप लोगों को इसे ऐसे देखने के लिए मिलेगा, 2 में इसका एनिमेशन चला जाता है और 1 में तो पूरा छोटा सा हो जाता है, बाकी 3 लेवल में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और एनिमेशन इफेक्ट भी अच्छा आ रहा है। फिर आप लोगों को स्कॉर्पियो थीम में एक पैरासूट की स्किन में देखने के लिए मिल जाएगी।
और स्कॉर्पियो थीम में आप लोग को प्राइम की स्किन में देखने के लिए मिलेगी लेजर ट्री और प्राइम की स्किन में बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी दिख रही है। और स्कॉर्पियो थीम में आप लोग को न्यू ग्लोबल की स्किन में डिजाइन किया गया है जो हम लोग देख रहे हो बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा लग रहा है। इसके अंदर एनिमेशन और इफेक्ट नहीं है बट देखने में और डिजाइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो स्कॉर्पियो का थीम में आप लोग को ये सारे न्यू आइटम्स देखने के लिए मिलेगी। न्यू स्कॉर्पियो एसीटी के इफोकन के जो आइटम्स है ये सब आप लोग को देखने के लिए मिलेगा थीम में। और बाकी आने वाले 47 के अपडेट में आप लोग को न्यू स्कॉर्पियो एसीटी के इफोकन देखने के लिए मिल सकती है। अभी इसका जैसे ही फुल रिव्यू आ जाएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी और फिर ये सीखो आप लोग को निश वाली फेडवेल के अंदर में ओरियन के स्किल की स्किन देखने के लिए मिल सकती है। अभी के टाइम में तो ओरियन को यूज़ करते हो तो रेड कलर का गोला बनता है बट इस स्किल के स्किन को लेने के बाद आपका जो गोला है ये पूरा येलो टाइप का बनेगा और पूरा चमकेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो इस वाले स्किल के स्किन को आप लोग 1100 डायमंड में निकाल पाओगे और ये पॉसिबल है नेक्स्ट फेडवेल के अंदर ही आ जाएगा, नहीं तो आप लोग को अक्टूबर में किसी भी दिन देखने के लिए मिलेगा। और बाकी 2 से 3 वीक के अंदर में ये फेडवेल आप लोग को जरूर से इंडिया पे डिसम्बर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा जिसके अंदर आप लोग को ओरियन के स्किन देखने के लिए मिलेगी। और फिर इसका ओवर मैनर आने तो फिर मैं आप लोग को इसके डेट भी बता दूंगी। और नेक्स्ट अपडेट है बनी का बंडल कारिंग के फैन को लेके, तो इसी को मास्टर माइंड बनी का सो बंडल है ये इंडिया सर्वर के अंदर अभी तक नहीं आया है और आप लोग को शायद से वेफन के अंदर फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो रहा है कि आप लोग को मास्टर माइंड बनी का बंडल इंडिया फिटे सर्वर के अंदर वेफन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि कोई भी बनी का बंडल अभी तक रिंगे फन के अंदर नहीं आया है इंडिया सर्वर के अंदर न्यू वाला, तो आप लोग को ये बनी का बंडल फिर पॉसिबल है कि वेफन के अंदर में ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी अभी बहुत सारे रिंगे फन पेंडिंग्स में पड़े हैं इंडिया सर्वर के अंदर तो वो सब आएगा फिर से कि आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर जो बनी का बंडल है ये देखने के लिए मिलेगा। इसका डेट करीना वालों ने पोस्टपोन कर दिया है और अभी नवंबर तक इसके आने के कोई भी चांस नहीं है। नवंबर के बाद में ही आप लोगों को जो बनी का बंडल है इसके रिगार्डिंग आप लोग को देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड। और बाकी कुछ कंफर्म लीक आती है तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और कैसे को दिवाली स्पेशली मैसी के विश्वर अपडेट होगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को आप लोग को मैसी के विश्वर के अंदर में बैनिट का जो बंडल है ये आप लोग देख रहे हो दिवाली स्पेशली मैसी के विश्वर के अंदर 4 दिसंबर को आप लोग को ये बैनिट का बंडल मेल का देखने के लिए मिल सकता है। साथ में आप लोग को जो जोकर बंडल है ये फिर आप लोग को निश्चित मैसी के विश्वर के अपडेट में देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि जोकर बंडल हर साल ही आता है दिवाली में और फिर आप लोग को ये वाला मेल का बंडल फिर निश्चित मैसी के विश्वर के अंदर 8 देखने के लिए मिल सकता है। पर इसके जो फिर पर्सन है ये वाली बंडल पे देखने में बहुत ही अच्छी खासी लगती है फिर नेक्स्ट आप लोग को ये मेल का बंडल फिर देखने के लिए मिल सकता है। ये बंडल जो कि बहुत क्यूट सा मेल का बंडल है और इसकी फीमेल पर्सन भी क्यूट सी है ये फिर आप लोग को नेक्स्ट मैजिक के विश्वर के अंदर एक्सचेंज करने के लिए देखने के लिए मिल सकती है। फिर आप लोग को ये मेल का बंडल देखने के लिए मिल सकता है मैजिक से एक्सचेंज करने के लिए जो मेल का बंडल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसकी जो फीमेल पर्सन है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसका टॉप बहुत ही अच्छा है ना। और नेक्स्ट मैजिक के विश्वर के अंदर आप लोग को ये मेल का बंडल देखने के लिए फिर मिल सकता है मैजिक से एक्सचेंज करने के लिए और इसकी जो फीमेल पर्सन है ये फिर आप लोग को मैजिक से एक्सचेंज करने के लिए देखने के लिए मिल सकती है। दोनों बंडल से ठीक ठाक है बाकी ये सारे बंडल्स पॉसिबल है आप लोग को 4 दिसंबर को नेक्स्ट मैजिक के विश्वर के अपडेट में देखने के लिए मिलेगा। बाकी मैजिक के विश्वर अपडेट होगा दिवाली स्पेशली 4 दिसंबर को। तो चलो गाइस मिलता है न्यू वीडियो में।